हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो भैया कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक हो ना? सब एकदम मस्त चल रहा है? अरे कभी कभी बताया करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में आप सेट पढ़ेंगे। सेट मीन्स समुच्चय। पिछली क्लास जो इसकी हुई थी उसको मैंने आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखाया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, चूँकि उसमें हमें कुछ चीज़ें दिखानी थी जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता था इस वजह से। तो पहला आज हम जो पढ़ेंगे वो है समुच्चय को लिखने की विधियाँ। समुच्चय को कई तरह से लिखा जाता है, उसमें से जो मुख्य विधियाँ हैं उनके बारे में हम आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और आपको पूरा एंड तक इस सेशन को देखना है। तो बच्चा देखो भैया, सारणी विधि होती है पहली, और इसको सूची विधि भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें इसके चर्चा की दूसरे वाले, तो वो नियम विधि हैं, इन्हें समुच्चय निर्माण विधि भी कहा जाता है। इसकी इंग्लिश बड़ी ख़तरनाक होती है, मैं लिख देता हूँ, देख लो आप। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा चमक रहा है, थोड़ा कम कर देंगे अभी। देखो इसे बोलते हैं टेबुलर आर लिस्टिंग मेथड। इंग्लिश वाले लिख लें सारणी विधि को टेबुलर, हाँ ये होता है इंग्लिश, टेबुलर आर लिस्टिंग मेथड। नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसे नोट कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज में उनके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया अगला है आपका, कौन सा विधि है अगला? तो आप देख ही रहे हो जो विधि है। लाइट में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अच्छा हो गया। दूसरा है नियम विधि या समुच्चय विधि। तो दोनों की अपनी अलग अलग विशेषता है, हाँ, लेकिन इसमें इसकी विशेषता कुछ अलग है कि अगर आपको नियम विधि लिखना है तो आपको जनरल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप नियम विधि से नहीं लिख पाओगे। अभी बताता हूँ कैसे। नियम विधि को बोलते हैं भैया रूल मेथड आर सेट बुल्डर मेथड। इंग्लिश लिख लो पहले इनका, रूल मेथड आर सेट बिल्डर बोलते हैं ना, बी यू। इंग्लिश हमें बहुत अच्छा नहीं आती इसलिए ऐसा मैं पढ़ता हूँ, हाँ, जैसे होता नहीं है कोई स्पेलिंग नहीं याद आ रही ना, तो आप उसको जैसे लिखा वैसे पढ़ दो, शुद्ध भाषा में ना पढ़ो, हाँ, बिल्डर ही बोलते हैं ना इसे। तो बुल्डर बोलोगे तो आपको स्पेलिंग याद रहेगी, हाँ, जैसे वो स्पेलिंग एक ठीक होती है, यहाँ पे देख लो मज़ेदार है। ये क्या है, इसकी स्पेलिंग याद करना थोड़ा आसान नहीं है जिनको नहीं आता है, हाँ, इसे वैसे तो नॉलेज पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग इसकी किसी को जल्दी से याद होने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे जैसे इंग्लिश में कमज़ोर लोगों को। तो इसको हम लोग पढ़ते थे कनऊ लद गए, हाँ, कनऊ और ये लद गए। तो भाई कनऊ लद गए याद रहेगा, कनऊ को अलग कर देंगे, लद गए अलग हो गया, तो कनऊ लद गए मतलब नॉलेज। तो वैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है इस तरह से, जुगाड़ से, हाँ, वैसे भी हम यूपी बिहार वाले बहुत जुगाड़ लगाते हैं। तो चलो अब इसमें दोनों विधि हम एक साथ तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, पहले एक मुझे मिटाना पड़ेगा, तो दूसरे विधि पे हम चर्चा करेंगे। भाई मिटाने वाला कहाँ गया यार, भाई बड़ी मुसीबत कर देते हैं ये सब, इधर उधर कर देते हैं। तो चलो एक मिल गया है, तो पहला हम बताएंगे, दूसरा मिटा देते हैं, ठीक है, अभी इसकी हेडिंग बाद में फिर से डालेंगे। तो आप लोग चलो अब नीचे एक जगह, अगर आपने ऐसे लिखा था, मैं तो मिटा के सेट कर लिया, आप एक बार फिर से हेडिंग लिखो, पहला वाला सारणी विधि या सूची विधि, मतलब टेबुलर आर लिस्टिंग मेथड, ये आप टाइटल एक बार फिर से डालिए। तो इसमें बात करते हैं क्वेश्चन, जैसे देखो यहाँ पर मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, बिना क्वेश्चन के तो आप कर नहीं पाओगे। पहले क्वेश्चन देखो फिर बाद में आप इसका डिटेल पढ़ना, तब समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि भैया प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ऐसे कुछ दिया है कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप इसे ये सारणी विधि या सूची विधि से लिख के दिखाइए। ऐसे ऐसे तो पूछा जाता है ना क्वेश्चन, कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, प्रथम तीन भाज्य संख्याओं का समुच्चय, आपको इन्हें सारणी विधि से लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, पहले इनका आप हल देख लो, सोल्यूशन, फिर बात करते हैं। तो प्रथम पाँच क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ना,
तो जो भी समुच्चय है इसे हम किसी एक चर के बराबर मान लेते हैं, चाहे x बराबर मान लो, a बराबर मान लो, b बराबर मान लो, तो हम मान लेते हैं a बराबर। और उसके बाद ये मझलका कोष्ठक लगाते हैं, मझला कोष्ठक ऐसे कट गया मॉडल का। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो आपको पहले तो छोटी मोटी चीज़ पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्या आखिर क्या है, ये सब तो मैं यहाँ बताऊँगा नहीं। तो प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चा, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, ये कोष्ठक थोड़ा सा ये थोड़ा कठिन है बनाना, फिर भी मैंने बना लिया काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस मैं आपको बता दूँ, इसको ऐसे शुरू करो, ऐसे ले जाओ ऐसे, और फिर थोड़ा अंदर ला करके ये सुंदर सा बना है ना, ऐसे बनाते हैं कुछ, इधर वाला तो बन जाता है, ये अच्छा सा बन जाता है, ऐसे वो भी बनता है, ठीक है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो थोड़ा अंतर लग रहा है आपको, आप ऐसे ट्राई करना 4-6 बार बन जाएगा। इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक, ठीक है, इतना सही है, किसी को कोई दिक्कत हैरानी परेशानी नहीं ना। तो अब अगर हम बात करें दूसरा, इसी में एग्जांपल आप देखते जाओ ढेर सारा, फिर आपका यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अब जहाँ एग्जांपल समझ लिए ना, फिर इसको आपको सारणी विधि क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सारणी या सूची विधि, ये हो गया आप लिख लिए। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इसे लिखने की कोशिश मत करो, पहले समझ लो बस, कुछ मत लिखो, केवल समझो, लिखो ही ना, कुछ ना लिखो। अगला उदाहरण आप देखिए, समझिए, अगला क्या कह रहा है, भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों, प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हो, का समुच्चय आप बताइए। अब इसमें से तो अधिकांश लोगों को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था नहीं पता होगा, हाँ, तो इसलिए बोला जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब मान लो भले आप लिख लोगे, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, हाँ, तो देखो समझो, यहाँ पे हम लोग समझते हैं भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। अभी हम कुछ एग्जांपल दोनों मेथड से एक साथ में करके दिखा देंगे, तो आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ एक ही मेथड से कर रहे हैं, वो है सारणी विधि, ठीक है, चलो। तो भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, इसे किसी एक नंबर के बराबर मान लो, जैसे ए बराबर या बी बराबर, कुछ भी मान लो एक चर के बराबर। उसके बाद ऐसे आप कोष्ठक बनाओगे, अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पांच, उनके नाम लिखोगे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, और कौन था भाई, अरे बहुत से लोग थे, चलो लिखो फटाफट, पंडित जवाहर, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लाल नेहरू, ठीक है, ये क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आगे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, है ना, लिखो श्री लाल बहादुर शास्त्री, पांचों का नाम आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना इसमें, यही तो खासियत है, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी, ऐसे लिखो फटाफट, श्रीमती इंदिरा गांधी, और कौन देसाई थे, मीरारजी ऐसे कुछ थे ना, मोरारजी देसाई, लेकिन उसके पहले गुलजार लाल नंदा हुए थे, हाँ, श्री गुलजार लाल नंदा, गुलजार लाल नंदा, इनका नाम कठिन है इसलिए मैंने लिख दिया, गुलजार लाल नंदा के बाद भैया आए थे श्री मोरारजी देसाई, ठीक है, कौन आया था, श्री मोरारजी देसाई। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ करना है, मेरे तो बोर्ड था इसलिए जगह नहीं थी, मैंने दो लाइन में लिखा, आपको कोशिश करना है इनको छोटा छोटा लिख के एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है, जैसे एक कोष्ठक यहाँ लगा रहे हो, एक यहाँ लगाओ, लेकिन मतलब पूरा हो जाए एक लाइन में, दो लाइन ना करना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बाकी कर दोगे तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपके भारत के प्रथम पाँच प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, कुछ समझ में आया, चलो और भी कुछ एग्जाम्पल हम आपके लिए लाएँ, क्या कह रहे हो, और एग्जाम्पल, चलो पूरा क्लास एंड तक देखना। और हाँ, एक चीज़ और सुन लो, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो भैया तुरंत लाइक करो पेज को, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल PVR स्टडी को सब्सक्राइब करो, और बाकी अगर कहीं और देख रहे हो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो वहाँ भी फॉलो कर लो, क्योंकि हमारी जो क्लासें हैं वो हर जगह आती हैं, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर, और हर जगह नाम एक है PVR स्टडी, सभी जगह नाम एक ही है। आगे देखते हैं अगला मेथड में, चलो
अगला मेथड में अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, वैसे तो वो बाद में हम बात करने वाले हैं, लेकिन एक अंतर के तौर पे मैं इसको समझा दे रहा हूँ। भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों का समुच्चय हमने सारणी विधि से देख लिया। अब इसी में मैं अगर आपको सारणी विधि में ही छुपा करके मैं अगर आपको नियम विधि दिखा दूँ, या फिर दूसरा जो क्या बोलते हैं उसे, रूल मेथड या बिल्डर क्या बोलते हैं भाई, सेट बिल्डर मेथड ना, तो उस आधार पे अगर मैं दिखाऊं तो इसमें क्या होगा, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष, उसके बाद आप क्या लिखोगे पता है, भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों में से एक है, ठीक है। भारत के एक वो नियम देख लो, प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों में से एक है, ठीक है, समझ गए ना बच्चा पार्टी। हाँ बताओ कौन सा मेथड आसान था भैया, इसमें अगर आपको ना भी याद हो तब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, शॉर्टकट में ज़्यादा नहीं लिखना है। आप मुझे बताना कमेंट करके, अगर इसे YouTube पे देख पा रहे हो या Facebook Instagram पे एप्लीकेशन में देख पा रहे हो, अगर आपका डाउट है तो आप नंबर पे कांटेक्ट करना, क्योंकि आपने तो स्पेशल कोर्स लिया तो आप स्पेशल स्टूडेंट में शामिल हैं, तो आप WhatsApp पे कांटेक्ट करना, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट YouTube पे या कहीं और देख रहे हैं वो वहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपको इसका कौन सा मेथड अच्छा लगा, सारणी विधि या फिर नियम विधि, इसे नियम विधि बोलते हैं जो मैंने लिखा अभी, ठीक है। तो ये आप समझ गए सारणी विधि में कैसे लिखते हैं। सारणी विधि में यहाँ पर हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, अगर पांच प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बोल रहा है तो हमें पांचों नाम लिखना है, लेकिन वही नियम विधि में हम ऐसे करके एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पर ये बिंदी लगाएंगे दो जरूरी है, तो इसका मतलब है कि यक्ष ऐसा है कि, इसको क्या पढ़ेंगे, यक्ष और बिंदी को क्या पढ़ते हैं, यक्ष ऐसा है कि यक्ष भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों में से एक है, मतलब एक्सप्लेन कर देना शॉर्टकट में बस, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए, इसमें बहुत सारा था लेकिन बहुत सारा हमें रूल पढ़ना है, आप लोगों को बताना है। आप लिखो, हाँ इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करने लायक है, जैसे क्वेश्चन तो आप लोग कर ही रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट है याद करने लायक, समझने लायक, वो क्या है कि इसमें कोई भी अक्षर, कोई भी व्यक्ति या कोई भी नाम या कोई भी जो भी वस्तु रहेगी उसे रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो कोई प्रथम पांच प्रधानमंत्री का नाम बोल रहा है, तो मान लो उन प्रथम में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता जो तीन बार लगातार हो गया होता तो उसे एक ही बार लिखा जाता, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि उसे अलग अलग तीनों बार लिखते, नहीं। तो सारणी विधि या सूची विधि में और एक एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि पंद्रह से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अब कहोगे भैया गुरुजी हम तो यही नहीं जानते हैं अभाज्य का है, भाज्य का है, तो बचवा जो कुछ नहीं जानते हो तो मैं क्या करूं। भाई कुछ तो आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आनी ही चाहिए। अभाज्य संख्या नहीं आती तो आप बेसिक देखिए, PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे बेसिक मैथ देखिए, रात के 9 बजे से आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलता रहता है। बाकी एप्लीकेशन में देखो आप, जीरो लेवल पूरा मैथ है, बिल्कुल वैक्सीन लगा दी गई मैथ वाली। चलो तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अगर इसके बारे में बात करेंगे कि सारणी विधि से कैसे लिखेंगे तो क्या करोगे भैया, इसको किसी के बराबर मानोगे, कोई एक लेटर मान लो, चलो मैं यक्स मान लूँ हमेशा, ये क्यों मानूँ, हाँ वाई मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई एक चर पद मानते हैं वेरिएबल बस। उसके बाद क्या कह रहा है भैया कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्या 15 से जितनी भी छोटी हैं सभी को लिखेंगे। अब पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो भैया 1 जो है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि ये बिरादरी से बाहर है, ये ना तो भाज्य के नियम का पालन करता है ना अभाज्य के, इसलिए इसको किसी भी बिरादरी में नहीं रखा गया है। तो भाज्य अभाज्य की कहानी 2 से शुरू होती है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हाँ बड़ी विडंबना है, ये वैसे है जैसे रावण की नगरी में श्री विभीषण जी थे वैसे ही, क्योंकि रावण की नगरी में सभी राक्षस थे,
लेकिन विभीषण जी थे जो, वो रामचंद्र जी की पूजा करते थे। तो वैसे क्या है, जो सभी सम संख्याएं हैं वो सभी क्या है, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। लेकिन दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, सम होते हुए भी अभाज्य है, समझ रहे हो ना। यानी सात बार खाने के बाद भी ये भगत है। चलो देखो यहाँ पे समझो, तो ये पहली हो गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कह रहा कि 15 से छोटी सभी लिखना है, तो भैया अगली अभाज्य 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। देखो एक चीज़ मत भूलना, यहाँ पे भाज्य का मतलब अलग होता है, सम विषम का मतलब अलग होता है। देखो 3 जो है क्या अभिषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य है। 5 क्या है, विषम है लेकिन अभाज्य है। वहीं 2 क्या है, सम है लेकिन ये भी क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब इतना होता है कि वो संख्या एक से कटे, खुद से कटे, बाकी और किसी से बिल्कुल ना कटे। हाँ चलो, 5 के बाद 7 है। अब देखो 9 नहीं होगी अभाज्य, याद रखना 9 एक विषम संख्या है लेकिन वो अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 10 से मतलब है नहीं, 11 13 15 से छोटा बोला था, तो 15 से छोटा ये सारी संख्याएं हो गई, जो कि क्या है भैया, क्या है भाई साहब, ये बाबू क्या है, अभाज्य है। ठीक है, समझ गए ना। ये कोष्टक मुझसे बहुत अच्छा नहीं बनता है, पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी है। ऐसे कोशिश करो, देखो ये बना लेकिन बहुत नीचे आ गया ना, ऐसे बनता है। तो ये क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं, इसमें कुछ छूटा तो नहीं ना, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। लेकिन अगर इसे नियम विधि से लिखते तो यहाँ पर वो भी देख लो शॉर्टकट में, बाकी तो मैं टाइटल आगे डालूंगा। अगर इसे नियम विधि से लिखते तो हम ऐसे लिखते, इसमें किसी के बराबर तो मानेंगे ही, मान लो इसमें हम बी के बराबर मान ले रहे हैं, तो ऐसे लिखते यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इतना तो आप लिखते, इसके आगे इसमें और लिखते, और क्या लिखते, तथा यक्ष इज लेस देन 15। हाँ, यक्ष जो है वो क्या है, 15 से छोटा है। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ कह रहा था 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई कि यक्ष जो है वो क्या है, एक अभाज्य तो है लेकिन वो 15 से छोटी है। ठीक है ना, जमाई आ रही ना बहुत। चलो छाप लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वीडियो को रोक करके लिख लो। मैं सामने से हट जाता हूँ, क्या किया जाए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हाँ हो गया, देखो वीडियो को भाई रोक लिया करो, जब मैं आगे पीछे हटूँ कुछ डोलूँ इधर उधर ना, तो वीडियो को रोक करके देखा करो, क्योंकि मैं छेके नहीं रहता हूँ पूरा टाइम, छोड़ता हूँ बोर्ड ना। ठीक है, हो गया। तो अब क्या बात करने वाले हम, यहाँ पे आप लोग समझिए। वैसे तो मुझे लगता है मैंने दोनों विधि बता दिया, लेकिन मैं लिखा नहीं अभी इसकी कहानी क्या है, वो सुन लो, मैं लिखवा दूंगा अभी जिनको लिखना है। ठीक है, समुच्चय लिखने की जो विधियाँ हैं वो मैं लिखवा दूंगा। तो आप अंतर समझ गए ना, एक का क्वेश्चन का दोनों मेथड से लिखा है, ये सारणी विधि है और ये क्या है, नियम विधि है। हाँ, जिसे बोलते हैं इसे टुबलर और लिस्टिंग मेथड, ये है रूल मेथड, रूल मेथड या बिल्डर मेथड। ठीक है, दोनों मेथड हो गया। तो किसी को कोई हैरानी परेशानी नहीं ना। अगला एक क्वेश्चन लिखो, भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री मंत्री तो हो गए। अगला लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय सभी लिखो। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको भी आप दोनों मेथड से लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे ही। इसमें भी कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, पहले इसे हम सारणी मेथड से अगर लिखें तो सारणी मेथड में हम ऐसे ब्रेकेट बनाएंगे, यहाँ पे कोई भी एक चर पद ले लो, चाहे ए ले लो, वी ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं ए ई आई ओ यू, उन सबको लिख करके ऐसे कोष्ठक लगा देंगे। ये आपका हो गया सारणी विधि। ये कौन सा विधि हो गया भैया, ये हो गया सारणी विधि, या फिर इसे कौन सा और कोई विधि बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, सारणी विधि या समुच्चय विधि ना, समुच्चय निर्माण विधि था क्या, नहीं सूची विधि, हाँ सारणी या सूची विधि हो गया। और इसको अगर अगली विधि में लिखे तो उसमें भी ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ये भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर हो जाता है। यक्ष ये ऐसा है कि यक्ष
और आगे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या था प्रथम पांच, नहीं प्रथम पांच नहीं, स्वरों का समुच्चय बोल रहा था ना। हाँ तो ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो आप लिख दोगे स्वर मतलब क्या है, वावेल है ना, तो आप लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय यक्ष, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है लिख लो स्वरों का समुच्चय, बस हो गया, यही करना था। तो ये आपका दोनों मेथड था जिसे आपने देखा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इस तरह से आपने सारणी विधि भी देख लिया और सूची विधि भी देख लिया और नियम विधि भी देख लिया, समुच्चय निर्माण विधि भी देख लिया। सारणी विधि को ही सूची विधि कहा जाता है और ये जो नीचे लिखा है नियम विधि, इसी को समुच्चय निर्माण विधि भी कहा जाता है, ठीक है। 15 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर बोलें आप लोग कर लोगे, हाँ कर कर करके बताना, ठीक है। 15 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम तीन भाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्या प्रथम तीन भाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये भी आप लोग करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और अभी आप लोग लिख लो, भारत के प्रथम पांच राष्ट्रपतियों का समुच्चय, भारत के प्रथम पांच राष्ट्रपतियों का समुच्चय हो गया, लिख लिए। चलो आगे देखते हैं, फटाफट देखो आगे देखो आगे देखो, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लो, जिनको लिखना मैं बोल रहा हूँ, आराम आराम से बोलूँगा, दो दो बार बोलूँगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सुन लेना, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया, आप सीख गए एग्जाम्पल के माध्यम से, अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा जो कि आपको कहीं काम लगे तो बाद में, समझने के लिए लिखिए सारणी विधि या सूची विधि, हेडिंग डालिए सारणी विधि या सूची विधि, जैसे नीचे लिखे हो ना यही लिखना है, बस ऐसे ही बताना है, बस यही मेथड था ना। लेकिन कैसे लिखोगे सुनो, पहले भी उसको मत लिखो, लिखो इस विधि में समुच्चयों के समस्त अवयवों को, इस विधि में समुच्चयों के समस्त अवयवों को, ये अवयव है ठीक है, अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, मझले कोष्ठक के अंदर एक मिनट रुको, मझले कोष्ठक के अंदर हाँ लिखा जाता है, वो तो सही है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक सारणी बना करके मझले कोष्ठक के अंदर सभी अवयव लिख दिया जो भी किया ना। उसके बाद लिखो उनके बीच पृथक या अलग, उनके बीच पृथक, पृथक दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए अल्प विराम लगा दिया जाता है, अल्प विराम लगा दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अल्प विराम लगाया था ना, कामा जिसे बोलते हैं, ठीक है हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कामा, अल्प विराम लगा दिया जाता है। सारणी विधि में किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, ये नोट डाल के लिखना नीचे, ठीक है, नीचे लिखना नोट, NOTE नोट, सारणी विधि में एक से अधिक अवयव को, मतलब एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, लिखो सारणी विधि में किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखो कैसे, देखो भैया जैसे अगर एक एग्जाम्पल है कमेटी के शब्दों का समुच्चय, क्वेश्चन है कमेटी, COMM, और उसके बाद इसमें है बच्चा IEEE, कमेटी शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। अब बताइए कमेटी शब्द के अक्षरों का जो समुच्चय है वो कैसे आप लिखेंगे भैया, जो सारणी विधि है बाबू इसको ऐसे करोगे ना, ये सारणी विधि समझो, कमेटी शब्द के अक्षरों का समुच्चय जितने भी अक्षर हैं एक एक को कामा लगा के लिखोगे। ये यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिखा जाएगा, जैसे सी देखो सिंगल है ठीक है, ओ सिंगल है ठीक है, लेकिन यम दो था ना, आई सिंगल था ठीक था, टी डबल था लेकिन हमने एक ही लिखा, ई डबल था एक ही लिखा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना कि इनके अक्षर जो है वो कभी भी मतलब रिपीट नहीं किए जाएंगे। ये नोट डाल के लिख लो, नोट, NOTE नोट डालने के बाद लिखो सारणी विधि में, सारणी विधि में
किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। ये हो गया, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो आप थोड़ा वीडियो बैक करके पीछे करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी भाई, चलो नोट नंबर इसमें अगला लिखो। क्रम बदलने से सारणी विधि में समुच्चय नहीं बदलता है। वैसे सारणी विधि लिखना कोई जरूरी नहीं है, वैसे लिख लो बस। क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता है, यानी सीरियल बदलने से इसका कोई भी मान पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो ए लिखा है, मैं बी के रूप में इसी समुच्चय को फिर से लिख दूं, अगर मैं लिख दिया ओ एम सी आई टी और ई, तब भी ये वही है, इसका मान वही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दोनों का मतलब एक हुआ, मतलब इसका सीरियल चाहे जैसे कर दो अल्टी पल्टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये टी ई आई एम सी और ओ, ठीक है, तो ये सब का मतलब एक हुआ, इनके सीरियल चाहे जैसे कर दो उल्टी पुल्टी, कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो आप लिख लिए ना, कारण सारणी बदलने से क्रम बदलने से समुच्चय में कोई बदलाव नहीं होता है, इतना ठीक है। तो आपका मुझे लगता है ये टॉपिक भी लगभग क्लियर हो गया, हाँ। बाकी दो चार समुच्चय का खुद से बना लेना, जैसे मान लो कि प्रथम 10 सम संख्याओं का समुच्चय बना लेना, इसको दोनों विधि से लिख लेना। प्रथम 20 क्या अभाज्य संख्याओं का समुच्चय भी बना लेना, प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसका भी दोनों मेथड बना लेना। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप बनाओगे तो बहुत सारे इसमें मतलब क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। तो फिलहाल आपका ये समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट था, जो इसमें टॉपिक था, वो ख़त्म होता है। मिल देंगे फिर हम अगली क्लास में। अगर आप इसे YouTube या Facebook पे कहीं डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो भैया सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें YouTube पे PVR स्टडी, और हमें फॉलो करना ना भूलें कहाँ, Facebook पे, Twitter पे, अन अकेडमी पे, Instagram पे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।